नेट एजुकेशन प्रिपरेशन आज की सीक्वेंस के रिगार्डिंग यूनिट रिसर्च इन एजुकेशन से जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च में जितनी भी इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स बनती थी वो हम लोगों ने जब साइंटिफिक मेथड किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, लेकिन जो चार जो मेन है ना वो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, तो इन चारों को हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें रेप्लिकेबिलिटी की, चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले थी रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसीजन, पार्सिमनी और फालसिफिएबिलिटी। अगर बात करें रेप्लिकेबिलिटी की तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रेप्लिकेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई एक रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, ये कोई भी एक रिसर्च जो है वो हो चुकी है, उस रिसर्च में जिस तरह का लिटरेचर यूज़ हुआ है, जिस तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, जिस तरह के स्टेप्स यूज़ हुए हैं, जो भी हाइपोथेसिस इसमें बनाए गए हैं, सामने वाला व्यक्ति एज़ इट इज़ उस सारे के सारे सेम स्टेप्स को यूज़ करता है टू गेट द रिज़ल्ट, ठीक है। और ऑफकोर्स अगर उसने सेम टेक्निक्स यूज़ किए हैं, सेम लिटरेचर यूज़ किया है, सेम स्टेप्स यूज़ किया है, तो उसका रिज़ल्ट भी ऑटोमेटिक क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसे कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी, यानी कि पूरा का पूरा ही क्या मारना, छप्पा, समझ गए आप, यानी कि पूरी की पूरा ही एक तरह से उसको क्या कहते हैं कि कार्बन कॉपी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। क्यों लिखा है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, उस रिसर्च को करते वक्त जो मैंने डेफिनेशंस यूज़ की, जो भी मैंने परिभाषाएँ यूज़ की, अब दूसरे व्यक्ति ने जब उसी रिसर्च को किया तो उसने वही की वही डेफिनेशंस यूज़ की हैं, हालांकि उसकी टेक्निक्स यहाँ पर अलग थी, लेकिन अपने कंसेप्ट के लिए, अपने रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए उसने डेफिनेशंस वही की वही यूज़ की हैं, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है थ्योरेटिकल कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू डेफिनेशन, दैट अदर कैन यूज़ दोज डेफिनेशंस टू मेज़र सेम कॉन्सेप्ट को मेज़र करने के लिए और टेस्ट करने के लिए अपनी थ्योरी को, मतलब कि उस पर्टिकुलर एक नए रिसर्चर ने सेम डेफिनेशंस यूज़ की हैं जो कि पहले वाली रिसर्च में डेफिनेशंस यूज़ की गई हैं। पार्सिमनी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर भी मैंने एक रिसर्च कर ली है, कंप्लीट हो गई है मेरी रिसर्च, ठीक है, और उस रिसर्च में मैंने बहुत सारी टूल्स यूज़ किए, टेक्निक्स यूज़ की, स्टेप्स यूज़ किए, लिटरेचर यूज़ किया, बहुत सारी डेफिनेशंस मैंने यूज़ की, अब दूसरे व्यक्ति ने जब उसी रिसर्च को करना चाहा तो उसने इसमें से जो पहले रिसर्च हुई है इसमें से द बेस्ट टेक्निक यूज़ कर ली, ठीक है, जो उसे बेस्ट लगा, जो लॉजिकल लगा, उन सारे आइडियाज़ को उसने यूज़ किया जो बेस्ट थे, ठीक है, उसे कहते हैं पार्सिमनी। फालसिफिएबिलिटी में क्या होता है, ये एक ऐसी थ्योरी है जब कोई भी व्यक्ति पहले की गई रिसर्च को डिसप्रूव कर सके, ठीक है। हियर द थ्योरी इज स्टेटेड इन अ वे, थ्योरी इस तरीके से स्टेट की जाती है कि दूसरा व्यक्ति जब उस थ्योरी को उस रिसर्च को करेगा, ठीक है, तो उस रिसर्च की जो थ्योरी है वो उसको डिसप्रूव कर सकता है। हेयर थ्योरी इज स्टेटेड इन अ वे दैट अदर्स कैन हैव राइट टू डिसप्रूव इट, क्लियर है। तो ये चार मेन करैक्टरिस्टिक्स जो आपके सिलेबस में थी। थैंक यू सो मच।